नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंजाबी फिल्मों के एक्शन हीरो दीप सिद्धू की फिल्मों की लिस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल फिल्मी डायरी इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। दीप सिद्धू एक इंडियन फिल्म एक्टर, मॉडल और एक लॉयर भी हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1984 को मुक्तसर, पंजाब, इंडिया में एक सिख पंजाबी परिवार में हुआ था। दीप सिद्धू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में आई फिल्म पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी और इस फिल्म में के निर्माता मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र थे। और इनकी सारी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने टोटली 4 फिल्में की हैं और इनकी लास्ट फिल्म 2020 में आई थी जोरा पार्ट 2। उसके बाद ये हमें किसी और फिल्म में नहीं दिखे। अब इनकी चारों फिल्मों की बात करते हैं। 2015 में इनकी पहली फिल्म आई रमता जोगी और इस फिल्म में ये हमें दिखे जोगी की भूमिका में। और रमता जोगी फिल्म एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म थी। 2017 में इनकी दूसरी फिल्म आई जोरा 10 नंबरिया। इस फिल्म में ये हमें दिखे जोरे की भूमिका में। और जोरा 10 नंबरिया एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। और 2018 में इनकी तीसरी फिल्म आई रंग पंजाब। इस फिल्म में ये हमें दिखे एसपी करमबीर की भूमिका में और रंग पंजाब एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। और 2018 में इनकी एक और फिल्म आने की खबरें सामने आई साढ़े आड़े। उस फिल्म का कोई अता पता नहीं है, ना ही यूट्यूब पर ना ही गूगल पर। फिर इनकी 2020 में लास्ट फिल्म आई जोरा पार्ट 2। इस फिल्म में ये हमें दिखे जोरे की भूमिका में। और जोरा पार्ट 2 फिल्म से पंजाबी सिंगर सिंगे ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की और यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो दीप सिद्धू के फ़ैन हैं वो इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि उनको दीप सिद्धू की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी फ़िल्म आपको सबसे अच्छी लगती है। और हाँ, हमारे जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहें हमसे और तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।